Now, today, in this video, we will discuss small topics like CIS, Afghanistan and Arab Spring. ये नए टॉपिक्स हैं जो अभी ऐड हुए हैं सिर्फ इस वाले चैप्टर में. तो इन टॉपिक्स को हम डिटेल में ना देखकर बहुत शॉर्ट फॉर्म में जितना कि हमारे सिलेबस में है हम उसके अकॉर्डिंगली ही इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर टू का कि द एंड ऑफ बाइपोलरिटी. बाइपोलर वर्ल्ड में हमने यूनिपोलरिटी देख ली थी, उसके बाद हमने अभी लास्ट वीडियो में यूनिपोलर वर्ल्ड को डिटेल में समझा था. नेक्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड है CIS. CIS एक ऑर्गेनाइजेशन था. सबसे पहले आपको इसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझना है. एक्चुअली में USSR में 14 रिपब्लिक्स जो थे उन्होंने मिलकर USSR को बनाया था. USSR जिसमें 14 रिपब्लिक किसके अंडर में काम कर रहे थे वो था रशिया. तो मिलाकर कितने रिपब्लिक हुए थे? 15 रिपब्लिक जब ब्रेक हो गए थे क्योंकि USSR टूट गया था. तो USSR के टूटने के बाद ये 15 रिपब्लिक्स बिल्कुल फ्री हो गए थे. फ्री होने के बाद इन्होंने अपना एक अलग नया कंट्री सेटअप करा और वहाँ पर जो इन्होंने सिस्टम अडॉप्ट करा वो था डेमोक्रेसी. तो हम यहाँ पर उन्हीं USSR के टूटे हुए जो 15 रिपब्लिक्स है उनके अंदर जो सिस्टम डेमोक्रेसी फॉलो हो रहा है उसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से बाकी के जितने भी कंट्रीज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंटर होने लगे उनके अंदर जो एक नए सिस्टम को लेकर अवेयरनेस थी, एक उनको लेकर एक पीक था, वो कौन सा सिस्टम था? डेमोक्रेसी. तो हर एक कंट्री में जो पॉलिटिक्स चल रही थी वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी और इस प्रोसेस को हम डेमोक्रेटाइजेशन के नाम से जान रहे हैं. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 15 रिपब्लिक्स जब अलग हो गए थे तो उस समय उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया CIS. लेकिन जब ये प्रोसेस चल रहा था USSR के ब्रेक होने का तो उस समय रशिया का जो एक लीडर था जिनका नाम था येल्त्सिन जो रशिया से रिलेटेड थे और रशिया के एक प्रोमिनेंट लीडर थे जिनकी लीडरशिप में डेमोक्रेसी के लिए बहुत जोर से या तेज एक प्रोटेस्ट रेज हो रहा था. किसके अगेंस्ट में? कम्युनिस्ट पार्टी के. तो वहाँ पर बाकी के जितने भी रिपब्लिक है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन रशिया का जो येल्त्सिन जो थे उन्होंने डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए बाकी के रिपब्लिक्स को भी अपने साथ मिलाया और कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया. इसमें तीन और रिपब्लिक जो रशिया से जुड़ गए थे उनमें एक तो यूक्रेन था, एक रशिया तो खुद था ही और एक नेक्स्ट बेलारूस था. तो यहाँ पर जो यूक्रेन बेलारूस और रशिया इन तीनों की लीडरशिप येल्त्सिन ने करी और किसके अगेंस्ट में करी? कम्युनिस्ट पार्टी के, क्योंकि ये लोग सारे के सारे जितने भी रिपब्लिक्स हैं ये चाह रहे थे कि वो USSR से डिसइंटीग्रेट या फिर ब्रेक हो जाए. यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों ही रिपब्लिक ने USSR से अलग होने के लिए या USSR को टूटने डिसइंटीग्रेट होने का फर्स्ट डिक्लेरेशन इन्हीं तीनों रिपब्लिक्स ने दिया था. तो वर्ल्ड में इन्होंने ही बताया था कि USSR जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, ब्रेक हो गया है, टूट गया है और अब जितने भी 15 रिपब्लिक्स है वो अलग हो गए हैं. तो जैसे ही USSR डिसइंटीग्रेट हुआ तो रशिया जो था वो USSR का सक्सेसर बन गया. यहाँ पर रशिया जो है वो जितने भी असाइनमेंट, जितने भी ट्रीटीज या मेंबरशिप जो USSR फेस कर रहा था या USSR जिनका भी मेंबर था अब वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिल गई? रशिया को. रशिया में इलेक्शन हुए और रशिया का फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने? येल्त्सिन. तो येल्त्सिन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए
येल्सिन ही एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने काफी सारे रिपब्लिक्स को एक साथ मिलाया और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो उन्होंने क्रिएट करा। इसके बाद यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, बाकी के रिपब्लिक्स फ्री हो गए। फ्री होने के बाद उन्होंने सीआईएस बनाया। अब ये सीआईएस क्या है, तो इसमें आपको लर्न करना है C4 कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हम अलग हो गए हैं, यानी 15 रिपब्लिक्स आपस में इस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम अलग हो गए हैं, हमारी सिचुएशन, लोकेशन, सिस्टम सब कुछ अलग अलग है, हमारी गवर्नमेंट भी अलग रहेगी, रिसोर्स भी अलग रहेंगे, लेकिन हम एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वापस किससे मिलते रहेंगे, सीआईएस से। सीआईएस जो है वो उसी तरह से एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम करेगा जैसे यूरोपियन यूनियन था, सार्क है, आसियान है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने रीजन के कंट्रीज को प्रोटेक्ट करती है। उसी तरह से सीआईएस भी किनको प्रोटेक्ट करेगा, जो यूएसएसआर से ब्रेक हुए 15 रिपब्लिक्स है। यहाँ पर ये हमें एक चीज और लर्न करनी है कि ये सारे रिपब्लिक्स जो थे यूएसएसआर से अलग होकर, सेपरेट होकर किसके मेंबर बन गए, सीआईएस के। लेकिन सीआईएस के मेंबर बनने के लिए कौन तैयार नहीं था, इसमें आपको लर्न करना है कि उस समय जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे वो सीआईएस की मेंबरशिप को पसंद नहीं कर रहे थे। उनको लगता था सीआईएस बनने की जरूरत ही नहीं है, वो यूएसएसआर में ही रहकर खुश है, और यूएसएसआर टूट ही क्यों रहा है। इट मीन्स उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनका सिस्टम इतना वीक था कि वो यूएसएसआर में अपने आप को सेफ समझ रहे थे। और जैसे ही वो अलग हुए तो अलग होने पर गवर्नमेंट बनाना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मैनेज करना, रिसोर्स को यूज करना, वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। इसलिए वो बहुत ज्यादा एक डाउटफुल थे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सीआईएस के लिए, इसलिए उन्होंने सीआईएस की मेंबरशिप नहीं ली। लेकिन बाद में बाकी के रिपब्लिक जो दूसरे थे उन्होंने उनसे बात करी और उन्होंने उनको एक तरह से सीआईएस का फाउंडर मेंबर बनाया, डिक्लेयर करा ताकि वो इसकी मेंबरशिप ले ले। बाद में जाकर उन्होंने सीआईएस की मेंबरशिप ले ली और आज सारे के सारे 15 रिपब्लिक्स जो है, जो यूएसएसआर के कभी रिपब्लिक हुआ करते थे लेकिन आज वो सेपरेट कंट्रीज है, वो सारे के सारे किसके मेंबर है, सीआईएस के। तो सीआईएस किसको प्रोटेक्ट कर रही है, यूएसएसआर से टूटे हुए, ब्रेक हुए सारे रिपब्लिक को। यहाँ पर आपको उन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के नाम लर्न करने हैं और मैप में भी लोकेट करने हैं। इस चैप्टर में मैप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का ही आता है। ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे, जो बिल्कुल भी सीआईएस के फेवर में नहीं थे, वो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, वो कौन कौन से थे, वो थे एक कजाकिस्तान, सेकेंड है किर्गिस्तान, नेक्स्ट है ताजिकिस्तान, नेक्स्ट है तुर्केमेनिस्तान, नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान। तो ये सारे रिपब्लिक्स किसको सपोर्ट कर रहे थे, यूएसएसआर को, और किसके अपोज में थे, सीआईएस के। लेकिन बाकी के रिपब्लिक्स किसको सपोर्ट कर रहे थे, सीआईएस को, और किसके अपोज में थे, यूएसएसआर के। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वो रिपब्लिक्स है जो यूएसएसआर में ही रहना चाहते थे। इन्हें एक बार फिर देख लो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्केमिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे सीआईएस के फेवर में नहीं थे, लेकिन लास्ट फाइनली ये इसके मेंबर बन गए। और इनको किसने तैयार करा, बाकी के रिपब्लिक्स ने मिलकर। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि सीआईएस में किस तरह से डेमोक्रेसी के लिए एक पॉलिटिक्स हुई और वहां पर जो प्रोसेस हुआ डेमोक्रेसी को लेकर वो भी क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। हर एक कंट्री अपना एक सिस्टम जो फॉलो कर रही थी वो कौन सा था, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये इसका
टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक न्यू टॉपिक है हमारे ट्वेल्थ के लिए, जो पहले एक दो लाइन में हम देखते थे, अब भी सिर्फ आपको एक दो पैराग्राफ में ही इसको थोड़ा सा देखना है कि अफगानिस्तान मेनली कहाँ पर सिचुएटेड है और यहाँ पर किस तरह की पॉलिटिक्स हुई। अफगानिस्तान की यदि हम ज्योग्राफिकल पोजीशन देखें तो अफगानिस्तान इज इन पार्ट ड्यू इट्स ज्योग्राफिकल सिचुएशन। ये कहाँ पर है? बिटवीन द मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, इन सबसे घिरा हुआ जो है वो अफगानिस्तान है। इसके आसपास जितने भी कंट्रीज है वो सारे इस्लामिक है। ये भी एक इस्लामिक ही स्टेट है, लेकिन अफगानिस्तान में आए दिन काफ़ी कुछ डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ चलता रहता है। उसके बाद भी अफगानिस्तान अपने आप को सस्टेन किए हुए है। यहाँ पर आपको इसकी फिजिकल लोकेशन के बारे में लिखना है, इसकी फिजिकल लोकेशन। ओके, नेक्स्ट आएगा इसका, यहाँ पर काफी सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। एथनिक ग्रुप्स काफ़ी सारी कास्ट है, वो आपस में बहुत ज़्यादा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और इसका जो एक इंटरनल जो स्ट्रगल है, इसका पूरा जो बेनिफिट लेती है, इसका जो गेन सपोर्ट करती है, वो कौन करेगी? एक्सटर्नल पावर। जब किसी भी कंट्री में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा या डिस्प्यूट्स होंगे या किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट होगा, तो उसके बाहर के कंट्रीज इस प्रोटेस्ट का फायदा जरूर उठाएंगे। यही काम किसके साथ हो रहा है? अफगानिस्तान के साथ, कि अफगानिस्तान में इतने सारे एथनिक ग्रुप्स होने के कारण वहां पर काफी सारी लड़ाई झगड़े चलते रहती है और इन झगड़ों का मेन फायदा कौन उठाता है? एक्सटर्नल पावर, राइट। नेक्स्ट आता है कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी। यहाँ पर हम कोल्ड वॉर की बात नहीं करेंगे, हम उस कोल्ड वॉर के स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो अफगानिस्तान फेस कर रहा है। कोल्ड वॉर में क्या होता था, जो भी कंट्री वीक दिखता था किसको, यूएस या यूएसएसआर को, तो वो दोनों ही सुपर पावर उस वीक कंट्री को अपने में मर्ज करने में लग जाते थे, एक स्ट्रेटेजी बनाने लगते थे कि हम किस तरह से इस वीक कंट्री को अपने में मिलाए और अपनी पावर को आगे इंक्रीज करें। ये उनकी स्ट्रेटेजी रहती थी कोल्ड वॉर के अंदर। लेकिन आज अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है कि वो लोकेट तो एशिया ही कॉन्टिनेंट में है, लेकिन वो चारों तरफ से जो मॉमडन कंट्रीज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके बीच में ये सिचुएटेड होने के कारण वहाँ पर भी क्या रहते हैं? लड़ाई झगड़े रहते हैं। और इसी लड़ाई झगड़ों का फायदा कौन उठाता है? एक्सटर्नल जो पावर्स होती है। अब वो एक्सटर्नल पावर कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रही है जो वो कोल्ड वॉर में यूज़ करती थी? अब कोल्ड वॉर में वो कैसे यूज़ करती थी, इसको अच्छे से देखना। एक्चुअली में अफगानिस्तान में 1978 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इस रिवॉल्यूशन को सोर रिवॉल्यूशन या फिर अप्रैल रिवॉल्यूशन या सोर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्या था, इस रिवॉल्यूशन के अंडर में जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने अफगानिस्तान की जो इस्लामिक गवर्नमेंट थी उसको उसने हटा दिया था। एक बहुत बड़ा कूप हो गया था वहां पर, तो इसको अप्रैल कूप या फिर सोर कूप भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब वो इस्लामिक जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया और यहाँ पर जो अफगानिस्तान में रूल आया, तो 1978 में किसका रूल आया था? सोशलिस्ट का। अब 78 के समय जब सोशलिस्ट पार्टी का अफगानिस्तान में रूल आ गया, तो वहाँ के जितने भी मोमडन्स थे, जो मोमडन्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स थे, जिनको मुजाहिदीन बोलते हैं, तो वो मुजाहिदीन जो थे वो अपोजिशन पार्टी में आ गए और उनको सबसे ज़्यादा अप्रोच, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट, सबसे ज़्यादा हेल्प किसने दी? ऑब्वियस यूएस ने दी।
क्योंकि यूएस को सबसे ज्यादा डर था, उस समय कोल्ड वार चल रहा था, तो कोल्ड वार के समय वो नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में सोवियत या सोशलिस्ट पार्टी आए और अफगानिस्तान किस में मर्ज हो जाए, यूएसएसआर में, तो इससे यूएसएसआर की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर उसकी पावर को इंक्रीज होने से रोकने के लिए यूएस ने मुजाहिदीन को काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए, ट्रेनिंग दी, आर्म्स दिए, वेपन्स दिए, ताकि वो वापस इस जो भी सोशलिस्ट पार्टी के लीडर है या जो भी गवर्नमेंट आई है उसको वो क्या कर सके, हटा सके। तो ये जो कोल्ड वॉर की जो स्ट्रेटेजी है इसको भी अफगानिस्तान ने 1970s में क्या किया था, फेस किया था। तो इस तरह से अफगानिस्तान वीक भी हुआ और उसके अंदर इंटरनल डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हुए। ओके, नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ आएगा जो आज की इसकी प्रॉब्लम है वो है तालिबान। एक्चुअली में 1990s कांधार अ मिलिटेंट ग्रुप कॉल्ड द तालिबान बिगेन टू राइज एज अ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फोर्सेस लेड बाय ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने ही तालिबान को एक तरह से क्रिएट किया है। तालिबान एक मिलिट्री ग्रुप्स तो है लेकिन इसके अंदर रहने वाले सारे मोमडन्स बहुत एक्सट्रीम्स है, तो ये एक रिलीजियस ग्रुप भी बन गया है। और ये जब से यहाँ पर सेटअप हुआ है इस कंट्री में, तो यहाँ पर एक तरह से इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होने लगे हैं कि अफगानिस्तान वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आगे से आगे क्या है वो हो रहा है, एक लाइट में आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे डेमोक्रेसी का प्रोसेस जो है वो लगातार चल रहा है। तो इसके लिए या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तालिबान के लिए एक अलग अप्रोच रहती है, एक अलग नज़रिया रहता है। हमारी जो सुपर पावर है वो अफगानिस्तान को एक टेररिस्ट के रूप में देखते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान किसको सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तालिबान को कर रहा है, लेकिन वहाँ की जनता डेमोक्रेसी के लिए लगातार अपने एफर्ट्स को बनाए रखती है। नेक्स्ट आता है वॉर, वॉर इन अफगानिस्तान। आए दिन अफगानिस्तान में वॉर चलते रहते हैं, ये तो हम शुरू से ही देख रहे हैं, बट 2001 इज द कंटिन्यूस इनकम्बेंट वॉर इन अफगानिस्तान वेयर द मेन कॉन्फ्लिक्ट कंसिस्ट ऑफ अफगान आर्मी ट्रूप्स बैक्ड बाय एडिशनल यूएस ट्रूप्स। अमेरिका से अफगानिस्तान का लगातार जो एक वॉर है वो चलता जाता है और यहाँ पर वो एक फाइट कर रही है, यूएस जो फाइट करती है अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। उसका मेनली टारगेट कौन रहता है, एक तो तालिबान रहता है, एक आईएसआईएस भी रहता है, अलकायदा भी रहता है, और इसमें यूएस को कौन सपोर्ट करता है वो है नाटो। तो यहाँ पर आपको ये भी लर्न होगा कि यूएस पर जो छोटे मोटे अटैक हुए थे, मेनली जो अटैक 9/11 का हुआ था, ये 9/11 का अटैक क्या था ये अब आपके सिलेबस से ओमिट हो गया है, डिलीट हो गया है, लेकिन बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था वहाँ के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और कब हुआ था, 11 सितंबर को, ये किसने करवाया था, ये तालिबान और अलकायदा ने करवाया था। और ये तालिबान अलकायदा जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रिलीजियस ग्रुप के, ये कौन से कंट्री में एक्टिव है, ये है अफगानिस्तान में। इसलिए यूएस का मेन टारगेट किसके ऊपर रहता है, अफगानिस्तान पर रहता है, और अफगानिस्तान की आर्मी भी यूएस के साथ लगातार क्या करती है, फाइट करती है। इससे वीक कौन पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है। और यहाँ पर एक जो पॉलिटिक्स चलनी चाहिए इस समय डेमोक्रेसी की, क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट वर्ल्ड जो है वो कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहा है, डेमोक्रेसी को, लेकिन अफगानिस्तान में इतनी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जनता फिर भी उस एफर्ट्स को बनाए रखे हुए है। तो इस तरह से अफगानिस्तान के पॉइंट जो है, अफगानिस्तान के बारे में आपको जितने भी एक्सप्लेनेशन देने हैं इसी पॉइंट्स के अंडर में देने हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका एक छोटा सा टॉपिक है वो है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग, अरब कंट्रीज में जो भी उतार चढ़ाव, जो भी उछाल हुए है, या किसी तरह का जो भी तनाव हुआ है उसे हम बोलते हैं अरब स्प्रिंग। ये भी बिल्कुल न्यू टॉपिक है हमारी 12th के लिए, इसमें आपको सिर्फ एक इंट्रो की तरह अरब कंट्रीज को देखना है।
अरब कंट्रीज जो 21st सेंचुरी में एक विटनेस है किस चीज का, डेमोक्रेसी का। अरब एरिया या अरब कंट्रीज जितनी भी है वहां पर 2009 से लगातार एक प्रोटेस्ट चल रहा है। किसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है? डेमोक्रेसी को। और वहां पर जो एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस चल रहा है जिसे डेमोक्रेटाइजेशन बोलते हैं, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन के लिए लगातार यहाँ पर हर तरह के जो लोग हैं वो अपने मेथड या कोई भी तरीके यूज कर रहे हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट कैसी बने, डेमोक्रेटिक बने। अब वहाँ की जो जनता है या अरब कंट्रीज में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ की जनता उनसे खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो एक तो करप्टेड है, एक वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट नहीं कर रही है, पॉवर्टी जो है, पॉपुलेशन जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो उन जनता को एनकरेज करती है कि वो अपनी गवर्नमेंट को कैसा बनाए। हमें ये देखना है कि यहाँ पर और कौन कौन सी कंट्री है अरब के जो इसके लिए, इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को, डेमोक्रेसी को अपने यहाँ सेटअप करने के लिए कौन कौन से कंट्री सबसे ज्यादा अवेयर है, उनमें आपको लर्न करना है इजिप्ट, इजिप्ट, यमन, लीबिया, सीरिया, बहरान। अरब के ये सारे कंट्रीज जो भी अभी हमने देखी है, जैसे इजिप्ट है, यमन है, सीरिया है, बहरान है, लीबिया है, इनमें तो लगातार डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट अरब कंट्रीज में शुरू कहाँ से हुआ था वो कंट्री आपको लर्न करना है। वो था तुनिसिया। तुनिसिया में सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ किसको लेकर? डेमोक्रेसी को लेकर। रीजन वही थे, पॉवर्टी को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, करप्शन को कम करना, ये सारी प्रॉब्लम सब में थी, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तुनिसिया से। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी के प्रोसेस के लिए, डेमोक्रेसी के सेटअप के लिए किस तरह से CIS एक हुआ, किस तरह से अफगानिस्तान में ये प्रोसेस चल रही है, और किस तरह से अरब कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी को लेकर लोग कितने ज़्यादा सीरियस है, यही इन छोटे छोटे टॉपिक्स में बताया गया है।